हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्टोटोन फोर्ट सिरप के बारे में, जो कि चरक फार्मा की मेडिसिन अवेलेबल होती है। ये एक आयुर्वेदिक दवाई होती है, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम जानते हैं कि एम्टोटोन फोर्ट सिरप का इस्तेमाल कब कब किया जाता है, या आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होने पे डॉक्टर आपको इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, कितनी मात्रा में इसको लेना रहता है और कितने लंबे समय तक आप इसको लेंगे तब इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो हम बात करते हैं कि एम्टोटोन फोर्ट सिरप जनरली एक आयुर्वेदिक दवाई है जो कि चरक फार्मा के द्वारा बनाई जाती है। चरक फार्मा काफ़ी फेमस ब्रांड है जिसकी सारी जो मेडिसिन है उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि एम्टोटोन फोर्ट सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर आपको कब कब करवा सकते हैं, या कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसको ठीक करने के लिए आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले तो होता है कि आपको पीरियड के जो भी इनरेगुलरिटी है, जैसे कि पीरियड समय पे नहीं आ रहे, पीरियड आ रहे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, किसी को ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है, किसी को पीरियड के दरमियान ब्लड के क्लॉट्स यानी कि ब्लड के थक्के पास होते हैं, इसके बाद में जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेड़ों में दर्द होता है, पूरा शरीर टूटता है यानी कि बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, थाइज़ में पेन होता है और पूरे लेग क्रैम्प्स होते हैं। तो इन सभी डिजीज़ में इस सिरप का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में जिन महिलाओं को ल्यूकेरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, गाढ़ा गाढ़ा वाइट डिस्चार्ज आता है, कई बार कर्ड जैसा फटा दही जैसा भी वाइट डिस्चार्ज आता है, तो जनरली वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, पर जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है उनको जनरली यूट्रस में स्वेलिंग, इन्फेक्शंस, पेड़ों में दर्द, कमर दर्द, पूरा बर्डन टूटता रहता है यानी कि बॉडी पेन रहता है, इस तरह की कंप्लेंट करती है पेशेंट, जिनको ठीक करने के लिए इस दवाई को दिया जाता है। इसके बाद में जिन महिलाओं को बीच बीच में यानी कि पीरियड ख़त्म हो गए, 10वें 12वें दिन पे स्पॉटिंग हो रही है, तो बीच में एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होने पर भी इस दवाई को दिया जाता है, जिससे कि जो हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे वो हार्मोन बिल्कुल सही हो जाए और आपकी जो प्रॉब्लम है बार बार आपको परेशान ना करे। इसके बाद में जिन महिलाओं के पीरियड आ गए पर बंद नहीं हो रहे, जैसे कि 5 दिन में जनरली सभी का ब्लड बंद हो जाता है, बहुत ही कम महिलाएं ऐसी होती है जिनको पीरियड के 7वें दिन तक ब्लीडिंग होती है, बट जनरली फीमेल्स को 3 डेज 4 डेज में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, 5 डेज में ओनली स्पॉटिंग रहती है। तो कई महिलाओं को स्पॉटिंग 7-8 दिन 10 दिन तक दिखती है, तो उन केसेस में भी इस दवाई को दिया जाता है। अब इसके आगे हम बात करें कि और कब आपको रिकमेंड कर सकते हैं, तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको रसौली है, कोई भी तरह की सिस्ट है, ओवरियन सिस्ट है, यूट्रस में स्वेलिंग है, एंडोमेट्रियोसिस है, बच्चादानी की जो परत होती है एंडोमेट्रियम की वो काफ़ी मोटी बन रही है, या उसकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसकी थिकनेस सही साठ नहीं बन रही है, तो उन केसेस में भी इस एम्टोटोन फोर्ट सिरप को रिकमेंड किया जाता है। इसके बाद में जो महिलाएँ कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है यानी कि गर्भधारण करने की कोशिश कर रही है और वो गर्भवती नहीं हो पा रही, तो उन केसेस में भी स्पेशली इनको 3 to 6 मंथ दिया जाता है। गर्भधारण ना करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट जनरली अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशन बना रहे और अगर महिला फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे, डॉक्टर के पास में जाती है तो डॉक्टर जनरल जो रूटीन चेकअप होता है वो रूटीन चेकअप करके महिला को एम्टोटोन फोर्ट सिरप प्रिस्क्राइब कर देते। इन कंडीशंस में एम्टोटोन फोर्ट सिरप को प्रिस्क्राइब करने का एक ही मकसद रहता है कि जो महिला की यूट्रस है उस पर अगर किसी भी तरह की अंदरूनी सूजन हो, जो कि कई बार रिपोर्ट में डायग्नोस नहीं हो पाती, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो यूट्रस में, या फिर ओवरी के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहे हो, हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हो, एक की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, कई बार फॉलिकल्स उतने मैच्योर नहीं हो पाते कि वो टाइम पर रप्चर हो पाए, कई बार फॉलिकल्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है यानी कि ओवुलेशन नहीं हो पाता है, कई बार एक की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो स्पेशली कंसीव ना होने के कई रीज़न ये भी रहते हैं कि या तो टाइम पर आपका एग रप्चर नहीं हो पा रहा, या फिर जो हमारा एग है वो सही साठ बन नहीं रहा है,
18 से 20 या 22 mm का एक हमारा बनना चाहिए, पर कई बार 10, 12, 15 mm पे जाके ही अटक जाते हैं और वो आगे ग्रोथ नहीं करते। तो इन केसेस में भी अगर हम इस दवाई को देते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं और पेशेंट बहुत जल्दी गर्भधारण कर लेते हैं। इसके बाद में अब हम आगे बात करें कि और ऐसी कौन सी बीमारी है जब आपको डॉक्टर इसको दे सकते हैं। तो ओवरऑल जितनी भी महिलाओं से रिलेटेड बीमारियां रहती है, जैसे खाना नहीं पचता है, किसी को ब्लड की कमी हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है, ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम रहती है मेंसेस से रिलेटेड, सारी प्रॉब्लम के लिए इसको दे सकते हैं। कई बार डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे आपके पीरियड काफ़ी लंबे समय से नहीं आए हैं या फिर पीरियड हर महीने नहीं आ रहा है, पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं है, हार्मोन का डिस्टर्बेंस चल रहा है बॉडी में, आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहती है, नींद बराबर नहीं आती है, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए भी इसको दे सकते हैं। रात रात भर आप सोचती रहती है, नींद नहीं आती है, तो उस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करने से आपको टाइम टू टाइम नींद भी आ जाएगी और आपके जो दिमाग में जो तनाव चलता रहता है वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो इतनी कुछ डिजीज रहती है जिसमें कि हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्पेशली हम महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां रहती है सब में इसका इस्तेमाल करते हैं। पर जब भी आप ले तो एक बार डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर ले, उसके बाद ही लेना है, क्योंकि हर एक पेशेंट की बॉडी अलग अलग रहती है, तो कोई पे दवाई सूट होती है, कोई पे नहीं होती है। अब हम बात करें कि इस दवाई का जो डोजेज है या मात्रा है वो कितनी ले सकते हैं। तो जब भी आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी लिक्विड दवाई का इस्तेमाल करते हैं सिरप का, तो आपको हमेशा उस डिब्बी को हिला लेना है, यानी कि शेक कर लेना है, उसके बाद में ही उसको पीना है। तो इसको 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खाने के बाद में लेना है। अगर हम बात करें कि कितने लंबे समय तक आपको डॉक्टर दे सकते हैं, तो 3 से 6 महीने तक आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कई महिलाओं के मुझे कमेंट्स आते हैं, मैडम मेरी एक बोतल ख़त्म हो गई है, मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक बोतल सिर्फ आपको 1 महीना चलेगी, जो कि 450 ml की आती है, तो आपको 1 महीने में भी 1.5 बोतल लग जाती है कई बार। तो आप ऐसा ना करें कि सिर्फ 1 बोतल पी ले और उसके बाद में बोल रहे कि हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 1 बोतल ख़त्म हो गई। तो आपको कम से कम 3 महीने कंटिन्यू करना है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई है और आयुर्वेदिक दवाइयों को आप समझ सकते हैं कि इनको आपको आराम देने में काफ़ी समय लगता है, पर कई बार बीमारियों को ये जड़ से ख़त्म करती है। अब हम बात करें कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो ये आयुर्वेदिक दवाई है इसलिए इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे जाते, पर लेने के बाद में अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है या आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं और वो जो बदलाव आ रहा है उससे आप काफ़ी परेशान हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और अगर आपको और भी हेल्थ सप्लीमेंट या अदर मेडिसिन चल रही है तो उनमें आपको 1 घंटे का गैप रखना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिसिन से ले रहे हैं और डॉक्टर ने आपको दवाई प्रिस्क्राइब की है, तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए कि मुझे पहले से ही ये दवाई चल रही है, तो क्या मैं इनको साथ में ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ। तो डॉक्टर आपको स्पेशली तो हाँ कर देंगे, बोल देंगे कि 1 या 1.5 घंटे का आप गैप रख के ले सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं कि क्या इस दवाई को हम 3 से 6 महीने तक लेते हैं तो क्या हम इसकी हैबिट हो जाती है। तो जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इन दवाइयों को लेने से कभी भी आपको हैबिट नहीं होती है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।